आज की इस क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अभी हम पिटन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधवा कुंजा बिहारी, जय राधा माधवा कुंजा बिहारी, जय गोपी जन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात् देशातारिणे मंशाकल्पतरूपेश्च कृपासिन्धुमयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्ये नष्ट प्रायशो भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपर कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्व वेदांत सारमे श्री भागवतम इष्यते तद्रसामृता तृप्तस्य नान्यत्र शाद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद धाम वृंदावन रम्य काचिदुपासना ब्रज वधूवर्गेण या कल्पितम्। श्रीमद्भागवतं प्रमाणं अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभु मतम् इदं तत्राधरो न परं मूकं करोति वाचालं अंगूलं ध्रियते गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम से, भगवान के वामन अवतार के बारे में श्रवण कर रहे थे। इसमें हमने श्रवण किया था कि वामन का, भगवान वामन का अवतार कैसे हुआ और भगवान वामन को सबने क्या क्या भेंट किया, किसी ने दंड दिया, किसी ने छाता दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने उनको त्रिवस्त्र दिए, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। और ये सब धारण करके वामन देव बलि महाराज की यज्ञशाला में, उनको पता लगा कि नर्मदा के किनारे बलि महाराज अपना यज्ञ कर रहे हैं, तो जैसा कि उन्होंने अदिति को बोला था कि मैं असुरों को मारूंगा नहीं, भगवान ने बोला था, क्योंकि वो ब्राह्मणों द्वारा और वैष्णवों द्वारा सुरक्षित, तो भगवान भी ब्राह्मणों और वैष्णवों के कार्य में इंटरफेयर नहीं करता। हालांकि असुर का गुरु भी शुक्राचार्य थे, लेकिन शुक्राचार्य भी ब्राह्मण थे और उस समय के जो ब्राह्मण थे वो वास्तविक ब्राह्मण होते थे, तो वो गुरु, क्योंकि गुरु के द्वारा, वैष्णव के द्वारा और ब्राह्मणों के द्वारा अगर कोई व्यक्ति सुरक्षित है, भगवान ने क्लियरली बोल दिया अदिति को, मैं उनको मार नहीं सकता, मैं और कोई साधन से उनसे आपके पुत्रों को राज्य दिलाऊंगा, मैं और कोई साधन से आपके पुत्रों को राज्य दिलाऊंगा। तो भगवान ने यहाँ नया लीला किया, वो रेडी होके वामन रूप में जाके बलि महाराज की यज्ञ में चले गए। बलि महाराज यज्ञ में डेली दान दे, सुबह सुबह जो भी आता था उनके द्वार पे, जो भी आता था, कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था, जो भी आता था द्वार। और स्वाभाविक है कि जो आते थे वो ब्राह्मण ही थे, क्योंकि उस समय कोई भी क्षत्रिय या वैश्य क्षत्रिय के लिए कभी भीख मांगना जो है, उस क्षत्रिय के लिए भीख मांगना उचित नहीं। जैसा कि हम ब्राह्मणों के धर्म में क्षत्रिय के, क्षत्रिय नीचे नहीं जा सकता, वो दान दे सकता है लेकिन वो दान ले नहीं सकता। ब्राह्मण दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, क्षत्रिय भी दान देते हैं और रक्षा भी करते हैं, क्षत्रिय दान भी देते हैं और रक्षा भी करते हैं, और ब्राह्मण लोग ज्ञान देते हैं और उनको केवल अपनी आवश्यकता के लिए दान लेने, स्वीकार करने का अधिकार। हर किसी व्यक्ति को दान लेने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि दान लेने से उस व्यक्ति के जो बुरे कर्म फल है वो भी ग्रहण करना पड़ता है। इसीलिए जो लोग ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, दूसरी क्रियाएं करते हैं करते हैं, उसके साथ उसके पाप कर्म को भी स्वीकार करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति केवल केवल दान का खाता है, केवल दान का ही खाता, वो सारे, वो कभी भी अपनी स्थिति सुधार नहीं सकता, कभी भी अपनी स्थिति सुधार नहीं सकता, क्योंकि दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण को, और ब्राह्मण को भी इसलिए कि उसके बदले में वो कुछ करता है। तो किसी को भी बिना फ्री में कुछ भी लेने का अधिकार नहीं है अपने धन के अलावा। तो क्षत्रिय को, जैसे क्षत्रिय के धन में उसको मृत्यु स्वीकार कर ले, मृत्यु स्वीकार कर ले, लेकिन दान को स्वीकार नहीं कर। ब्राह्मण को भी अधिकार इसलिए कि बदले में कुछ दे रहा है, वो बदले में कुछ दे रहा है, नहीं तो ब्राह्मण को भी बिना ज्ञान दिए अधिकार नहीं है, और ब्राह्मण को भी उतना ही अधिकार है जितना उसका आवश्यकता है। तो ये पहले का धर्म। वैश्य भी दान ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वैश्य तो दान देने वाला है, तो न क्षत्रिय ले सकता है न वैश्य ले सकता है।
शूद्र भी जो धन लेता है वो उसके बदले में उसको लेबर करना पड़ता है, उसको लेबर करके देना पड़ता है तब जाके उसको धन मिलता है। तो चारों वर्णों में हम देख रहे हैं कि किसी को भी धन लेने का अधिकार नहीं, अपनी मेहनत के अलावा किसी को भी अधिकार नहीं, क्योंकि वो अगर ले रहा है बिना किसी कारण से तो वो उनके पाप कर्मों को भी ग्रहण कर रहा है, उनके पाप कर्मों को भी ग्रहण कर रहा है। तो व्यक्ति कभी भी दरिद्रता से ऊपर नहीं उठ सकता, कभी भी नहीं उठ सकता। तो ऐसा बोला गया कि उसकी जगह व्यक्ति को, उसकी जगह व्यक्ति को बिना पेट भरे मृत्यु स्वीकार कर लेना चाहिए, बिना पेट भरे मृत्यु को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि पाप कर्मों का फल वो तो नष्ट नहीं कर पाएगा इस जीवन में। पाप कर्मों का फल नष्ट नहीं करता तो उसके अगले जीवन में भी भोगना पड़ेगा, नरक नरक में भोगना पड़ेगा सबके पाप कर्म इकट्ठा करके। सबके पाप कर्म करके उसको नरक भोगना पड़ा। तो इसीलिए चारों वर्णों में किसी को भी दान लेने का अधिकार नहीं। बिना ब्राह्मण को अधिकार है लेकिन उसके बदले में उसको क्रिया कर्म या ज्ञान दे के ओन केवल आवश्यकता कर उसे। तो प्राचीन वर्ण व्यवस्था उतना प्रैक्टिकल था, उतना प्रायोगिक था कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और हर ग्रस्त को केवल दान ही देना चाहिए, उसको लेने का अधिकार नहीं है। यहां पर बलि महाराज जो थे, वामनदेव इसलिए गए कि बलि महाराज से जो मांगेंगे मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि केवल धनी लोग ही अधिकार, गरीब व्यक्ति भी जिसके पास जितना धन है, जो भी अगर किसी के पास खाने के लिए भी नहीं है तो उसमें से जो भी खाने का मिले उसको भी दान देने का। भगवान वामन देव को देखकर अत्युति प्रफुल्लित बलि महाराज ने परम प्रसन्नता पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। ब्राह्मण ब्राह्मण थे बलि महाराज, बलि महाराज क्षत्रिय थे, ये ब्राह्मण थे वामन देव ब्रह्मचर्य। भगवान के शरीर के सुंदर अंग देखकर उनके शरीर की सुंदरता को समान रूप से योगदान दे रहे थे। और उसके बाद बलि महाराज ने उनके चरण कमल पखार कर उनकी पूजा की। ये ब्राह्मण का कृष्ण को उस तरीके से आदर हो। बलि महाराज ने वामन देव से तब कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपको सादर नमस्कार करता हूँ, कृपया बतलाए कि हम आपके लिए क्या करें। हम आपको ब्रह्म ऋषियों की तपस्या का साकार रूप मानते हैं। इस प्रकार से यह अध्याय खत्म होता है। अब अध्याय 19 से आज स्टार्ट करेंगे। पहला श्लोक है, श्री शुक उवाच इति वैरोचने वाक्यम धर्म युक्तम स सुनृतम निशम्य भगवान प्रीत प्रति नद्य इदम अब्रवीत। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब वामन देव ने बलि महाराज को इस प्रकार मन भावन ढंग से बोलते हुए सुना तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि बलि महाराज धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप बोले थे। बलि महाराज दान भी देने लेकिन कितनी मृदु भाषा में बोल रहे, मन भावन ढंग से बोलते सुना तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि बलि महाराज धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप बोले। बलि महाराज जैसे आधुनिक युग में जो स्वीट बोला जाता है वो अलग उसका रहता है कि किसी किसी कार्य निकालना है। हम जैसे कॉल सेंटर में भी कॉल करते हैं तो यस सर हाउ कैन आई हेल्प यू, ये क्योंकि हमने कुछ सब्सक्राइब किया हुआ है कि उसकी कुछ चीज खरीदी हुई इस कंपनी से और उसका कॉल सेंटर में कॉल कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। वो मृदु भाषा, उसको मृदु भाषा नहीं बोलेंगे, वो तो स्वार्थ के कारण ऐसा बोलना पड़ता है, नहीं तो कस्टमर चला जाएगा, बोलेगा ये बिहेवियर प्रॉपरली नहीं कर।
वो नहीं मृदु भाषा। यहाँ पे तो बलि महाराज राजा होके, पूरी पृथ्वी के राजा होके, और अभी उनको पता है कि जो भी आता है उनके पास दान लेने ही आएगा ब्राह्मण, ये जानते हुए भी देने वाला मृदु भाषा में बोल रहा है, देने वाला मृदु भाषा में बोल रहा है। जनरली लेने वाला मृदु भाषा में बोलता है, उसको कुछ लेना रहता है किसी से तो बोलता है, क्योंकि उसको लेना है तो इसलिए मृदु भाषा में बोलेगा और बहुत सारे आशीर्वाद भी दे देगा लेने वाला। लेकिन यहाँ पे देने वाला मृदु भाषा में बोल रहा है बलि महाराज। रेयरली हो सकता है देने वाला थोड़ा करके बोलेगा, नहीं मेरे को देना है, तो मांगने ही आया है। लेकिन यहाँ पे योग्य व्यक्ति मांगने आया है। बलि महाराज के सामने वामन देव भगवान स्वयं ब्राह्मण का रूप और धरके और ब्रह्मचारी बनके मांगने आए, योग्य व्यक्ति, एकदम एकदम योग्य व्यक्ति, 100% योग्य व्यक्ति मांगने। हालांकि बलि महाराज को पता नहीं था कि भगवान, लेकिन फिर भी उनका तेज देख, उनका तेज देख के, पहले ब्राह्मण को इसलिए तेजोमय रहते थे सब, क्योंकि तेजोमय झूठ नहीं बोलते, असत्य नहीं बोलते थे, ब्राह्मण का सबसे पहले सत्य भाषा, असत्य नहीं, और किसी को हार्म करने वाली, हानि पहुंचाने वाली कार्य नहीं करते। हालांकि ब्राह्मण भी हो सकता है वो पाप करते हो, लेकिन उसमें उनको किसी के हानि पहुंचाने का कार्य नहीं करते। तो यहां पर वामन देव ने देखा तो बलि महाराज धार्मिक सिद्धांत के अनुसार बोले, ऐसा आर्टिफिशियली प्रसन्न करने के लिए नहीं बोले या कुछ लेने। बलि महाराज के तो क्या लेना था, उनको तो देना था, लेकिन फिर भी वो देने वाला दाता भी इस प्रकार से बोल रहा है, क्योंकि ब्राह्मण है, साक्षात ब्राह्मण। अभी भगवान तो उनको पता नहीं कि भगवान है। तो वामन देव जी प्रसन्न हुए क्योंकि बलि महाराज सिद्धांत के अनुरूप बोले, तो वामन देव ने उनकी प्रशंसा शुरू करना, वामन देव ने, भगवान ने बलि महाराज की प्रशंसा शुरू किया। अब वामन देव क्यों प्रशंसा कर रहे हैं बलि महाराज की, वही प्रशंसा करें जो बलि महाराज करते हैं। बलि महाराज महाराज महान दानवीर है, तो किसी व्यक्ति की प्रशंसा उतनी करनी चाहिए जितना उसके बारे में ज्ञात है, बड़ा चढ़ के प्रशंसा करके वो सब असत्य में आ जाएगा, वो सब क्या होगा। और बलि वामन देव किसी भौतिकतावादी की नहीं करें, क्योंकि बलि महाराज हालांकि अभी भगवान के भक्त नहीं थे, असुरों के राजा थे, लेकिन धर्म के सारे नियमों का पालन कर रहे थे, धर्म के जो भी नियमों का पालन करते उसकी प्रशंसा करेंगे। अभी पूरे चैप्टर में तो किसी को ऐसा लगेगा कि वामन देव दान लेने के लिए उनको फ्लैटरिंग कर रहे, नहीं, वही चीज बोलेंगे जो बलि महाराज जिसके लिए प्रसिद्ध है। किसी व्यक्ति के लिए उतना ही बोलना चाहिए जितना वो जिसके लिए योग्य है, बाकी सब फ्लैटरिंग है और असत्य की, सब असत्य की बास्केट, जैसे सत्य और असत्य की बास्केट में आ जाएगा, वो सब असत्य की बास्केट। किसी भौतिकता के बिना कारण से, बिना उसका कोई अच्छा काम देखे उसको प्रशंसा की जा रही। तो ये जो है ये असत्य की टोकरी में चला जाएगा, असत्य की बास्केट में चला जाएगा, क्योंकि वो सत्य नहीं है। जो चीज सत्य नहीं है उसको क्यों बोलना। अब भगवान प्रशंसा करते हैं बलि महाराज की, क्योंकि भगवान ही अपना कर्तव्य समझते हैं। अभी कुछ दान लिया नहीं है ना, अभी मांगा भी नहीं है, लेकिन पहले प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी क्वालिटी से बलि महाराज की, असुर कुल में भी होते उसकी क्वालिटी से। असुर में जो बलि महाराज असुर में कुल में होते हैं, वो क्वालिटी जो सामान्यतः इवन कलयुग में भक्तों में भी नहीं पाई जाती है क्वालिटीज, वो बलि महाराज असुर कुल में था। तो भगवान क्या प्रशंसा करते हैं, श्री भगवान वच वचतावे वचतस वचस्ते तत् जनदेव सुनतम कुलाउचितम धर्मयुतम यशकरम यस्य प्रमाणम भृगव सांपराय पिता महाकुल वृत्त। भगवान ने कहा
हे राजन, तुम सचमुच महान हो क्योंकि तुम्हें वर्तमान सलाह देने वाले ब्राह्मण भृगुवंश। देखिए बलि महाराज के पहले कह सके कि सलाह कौन दे रहा है, बलि महाराज की प्रश्न लेंगे उनको, बलि महाराज का गुरु कौन है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य किसमें है? भृगुवंश में। भृगु कौन है? ब्राह्मण, सारे उन्हीं से उत्पन्न हुए, सारे ब्राह्मण भृगु, भृगुवंश, भृगु ऋषि से उत्पन्न हुए, इसलिए ब्राह्मण को भृगुवंशी बोला जाता है। ये भृगु वही है जिन्होंने भगवान को लात में मारी थी और टेस्ट किया था कि ये भगवान ही है। जैसे कश्यप मुनि और मरीचि सब ये सप्त ऋषि, और इसे ऐसे भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र है। तो बलि महाराज के भगवान क्या प्रशंसा करें, तुम सचमुच मानो क्योंकि तुम्हें वर्तमान सलाह देने वाले ब्राह्मण भृगुवंश है। तो किससे भगवान किस चीज की प्रशंसा करें कि तुमको जो सलाह दे रहा है वो व्यक्ति महान है। जो तुमको सलाह दे रहा है वो महान है। तो कभी भी, क्योंकि जो भृगुवंशी है ब्राह्मण है, हालांकि बीच में उनकी एक लास्ट सलाह गलत हो जाएगी क्योंकि उनका स्वार्थ आ जाएगा कि वो भगवान को दान नहीं देने का बोलेंगे, लेकिन ऐसा अपने जीवन में पूरा अच्छी सलाह देते आ रहे हैं। विभीषण ने रावण को अच्छी सलाह देने का प्रयास किया था, अगर विभीषण की सलाह मानते तो रावण का कुल नष्ट नहीं होता। विभीषण ने बोला कि अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, तुम भगवान राम को सरेंडर कर दो, वो अभी भी क्षमा कर देंगे और सीता को लौटा दो, अभी भी मौका है। तो यहां पे इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारा सलाह देने वाला महान है और तुम्हारे भावी जीवन के शिक्षक, आगे जो तुम्हें शिक्षा देंगे, तुम्हारे दादा प्रहलाद महाराज है जो शांतिम सम्मानी है वयोवृद्ध है उस समय। ये तो बलि महाराज के दादा थे, प्रहलाद महाराज, इसलिए बूढ़े हो गए थे। तुम्हारे कथन अत्यंत सत्य हैं, सत्य की प्रशंसा कर रहे हैं। वास्तव में सत्य की प्रशंसा करनी चाहिए, एक एक गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए सत्य, क्योंकि सारा कलयुग में 99% मुंह से झूठ ही निकलता है, अनुमान निकलता है, झूठ निकलता है, 99.99% वही। सत्य निकलना बहुत मुश्किल, क्योंकि सत्य का फिर परिणाम भी भुगतना पड़ता है, सत्य का परिणाम भी भुगतना पड़ता है, लेकिन हर कोई उसके लिए तैयार नहीं रहता। तो शॉर्टकट है कि असत्य बोल दो, ये सबसे शॉर्टकट, लेकिन उसको पता नहीं कि हर असत्य को एक अलग बास्केट में डाला जा रहा है, अलग टोकरी में डाला जा रहा है, हर एक झूठ को। और व्यक्ति असत्य क्यों बोलता है? वो अपनी आसक्ति या अपने संबंधी की आसक्ति के कारण उसको झूठ बोलता, जिससे वो स्वयं लाभ ले सके या अपने संबंधी को लाभ दे सके। तो व्यक्ति अननेसरी अपने पाप इकट्ठा करता रहता, और उस व्यक्ति को भी, उसके भी कर्मों को निम्न कर्म में करता है, स्वयं भी निम्न कर्म में करता है। तो तुम्हारे कथन अत्यंत सत्य है, भगवान बोल रहे हैं बलि महाराज को। देखिए कि क्वालिटी की सही से प्रशंसा कर, वे धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह मेल खाते हैं तुम्हारे वचन, क्योंकि बलि महाराज जिसको जो बोलते थे, वो पूरा करते, नहीं तो बोलते ही नहीं थे। तुम्हारे कथन अत्यंत सत्य में धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह मेल खाते हैं, वे तुम्हारे वंश के आचरण के अनुरूप है। वंश की प्रशंसा करो, भगवान स्वयं किसी की प्रशंसा करें तो इसका मतलब इसमें गलत कुछ भी नहीं। एक एक क्वालिटी जो सत्य, वंश कौन है? प्रहलाद महाराज वाला वंश है, बलि महाराज उनके पोते, क्यों नहीं प्रशंसा की जाए प्रहलाद महाराज?
उनके पुत्र विरोचन की क्यों नहीं प्रशंसा की जाए? और बलि महाराज तो पुत्र, वे तुम्हारे वंश के आचरण के अनुरूप है। वंश का आचरण एक रहता है। अगर वंश में सारे लोग झूठ बोलते हैं या धोखाधड़ी करते हैं तो पूरा वंश आगे वाली जनरेशन भी वही करेगा। और तुम्हारे यश को बढ़ाने वाले, ये सत्यता और तुम्हारा वंश ये तुम्हारे यश को बढ़ाने वाले। तात्पर्य, प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्ति के जीवंत उदाहरण है, लाइव एग्जाम्पल है। कोई तर्क कर सकता है कि वृद्ध होते भी, चूंकि प्रहलाद महाराज अपना परिवार के प्रति, विशेष रूप से अपने पौत्र बलि महाराज के प्रति आसक्त थे, तो फिर आदर्श कैसे बन सकते? तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि आदर्श व्यक्ति तो आसक्त कैसे पोते के प्रति? आदर्श व्यक्ति तो बहुत अच्छा प्रश्न है। ये श्लोक में प्रशांत शब्द आया, भक्त सदैव प्रशांत रहता है, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, भले वो ग्रस्त जीवन क्यों न बिता रहा हो और भौतिक वस्तुओं का त्याग न कर पा रहा हो, तो भी उसे प्रशांत समझना चाहिए, क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहा है। तो प्रहलाद महाराज अपने पोते से भौतिक कारणों से आसक्त नहीं कि उनका पोता है, उनकी क्वालिटीज इतनी महान है, इतनी महान है, इतनी महान है, जैसे अगर कोई भगवान की क्वालिटी है, भगवान की शुद्ध क्वालिटी, तो वैसे ही महान, वो वैसे ही हर व्यक्ति को तो भगवान से आसक्त हो जाना चाहिए, हर व्यक्ति को भगवान की शुद्ध भक्ति आसक्त हो जाना चाहिए। आसक्त तो भौतिकतावादी से नहीं होना चाहिए। अगर भगवान से आसक्त नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? शुद्ध भक्ति से आसक्त, गुरु से आसक्त नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए प्रहलाद महाराज का अपने पोते के जो ब्लड रिलेशनशिप है उसके कारण आसक्त नहीं है, क्वालिटीज के कारण आसक्त है, जो गुण है धर्म के अनुसार गुण है, उनके धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार गुण। तो धर्म से तो आसक्ति होना चाहिए, धार्मिक सिद्धांतों से आसक्ति होना चाहिए, और धार्मिक सिद्धांतों के पालन करने वाले से आसक्ति। इससे क्या होगा? ऐसे आसक्ति से उसके गुण आएंगे, और अगर किसी भौतिकतावादी से आसक्त होंगे तो बहुत सारे गुण ही भौतिकतावादी, सारी सोच समझ वो ट्रांसफर कर देगा, वो सारे भौतिकतावादी अपनी सारी सोच समझ ट्रांसफर कर देगा। तो किसी भौतिकता से आसक्त हो गए तो कई दिनों तक हम उसी के बारे में सोचते रहते, किसी भौतिकतावादी से संग कर लिया तो कई दिनों तक उसी की बातों का ध्यान करते रहते। तो भौतिकतावादी का संग इसीलिए बोला गया है बहुत बुरा है, स्लो पॉइजन के समान है, स्लो पॉइजन के समान है, क्योंकि उसकी बात दिमाग में घूमती रहेगी तो व्यक्ति उसी पर मनन करता रहेगा। तो भगवान की यहाँ पे कह गया, इसलिए बलि महाराज जो प्रहलाद महाराज थे, बलि महाराज के ऊपर आ सकते उसके गुणों के कारण, अदरवाइज किसी व्यक्ति से आसक्त होने की जरूरत नहीं है, धार्मिक सिद्धांतों के कारण आ सकते। कि क्या दानी है प्रहलाद महाराज से भी ज्यादा बलि महाराज, हालांकि प्रहलाद महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त थे। प्रहलाद महाराज को सहनशीलता में माना जाता है, उन्होंने भगवान के लिए सब कुछ सहन किया, सारी चीजें सहन की, सहनशील। बलि महाराज को दानवीर, आत्मनिवेदन, इसीलिए आत्मनिवेदन कहता है। तो प्रहलाद महाराज को सहनशीलता, स्मरण, विष्णु स्मरण के लिए उनको माना जाता है, जो नौ नवोदा भक्ति में। बलि महाराज को आत्मनिवेदन के लिए माना जाता है, दोनों अलग अलग चीजों के लिए माना जाता है, एक ही वंश के। चैतन्य महाप्रभु कहते किबा विप्र किबा न्यासे शूद्र के ने नए जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। चाहे कोई ब्राह्मण सन्यासी अथवा शूद्र, चाहे कोई भी, यदि वो कृष्ण तत्व को जानता है तो गुरु बन सकता है। तो कृष्ण का पूर्ण तत्ववेत्ता चाहे जीवन में किसी भी पद पर गुरु होता है। प्रहलाद महाराज सभी परिस्थितियों में गुरु हैं। यहाँ पर वामन देव सन्यासी तथा ब्रह्मचारी को भी शिक्षा दे रहे, सन्यासी को भी और ब्रह्मचारी को, बाकी का तो मांगने का अधिकार ही नहीं, बोल रहे सन्यासी और ब्रह्मचारी को शिक्षा दी कि मनुष्य को आवश्यकता से अधिक मांगना नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी सन्यासी को भी शिक्षा दे रहे, ब्रह्मचारी को मांगने का अधिकार है कि तभी वो टेंपल में रहेगा, टेंपल चलेगा, रोज चलेगा। सन्यासी को मांगने का अधिकार है, टेंपल में रह रहा, भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान की सेवा करने वाला है, टेंपल में रह रहा है।
उसको भी बस आवश्यकता से अधिक नहीं मांगना। जिसको मांगने का पूरा अधिकार है, जिसको कोई पाप कर्म नहीं लगे, कोई कर्म फल नहीं लगे, क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए मांग रहा है, उसी में उसका प्रसाद भी हो जाता है। तो बाकी मनुष्य को तो मांगने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो मांग रहा है मतलब धन के साथ उसके कर्म फलों को भी ले रहा है, जो बुरे कर्म फल उसके कर्म फलों को ले रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो मांग रहा है कभी अपने जीवन में कभी उन्नति कर नहीं सकता है, और तो और उसको सारे पाप कर्म इकट्ठा कर, क्योंकि अब उनका समाप्त नहीं कर पाएगा, उसके को पास उपाय उपाय नहीं, वो सारे पाप कर्मों को मतलब उसका नरक में जाना इस प्रकार से निश्चित। ब्रह्मचारी सन्यासी को ही मना किया आवश्यकता से अधिक मांगे, जबकि उनको मांगने का पूरा अधिकार है। तो सामान्य मनुष्य को तो अपना जीवन यापन ही करना छोड़ देना चाहिए अगर उसको खाने के लिए नहीं है, क्योंकि क्या करेगा, जो भी वो लेगा वो पाप कर्म ही लेगा, वो तो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है फुल टाइम। ब्रह्मचारी सन्यासी फुल टाइम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो जो पाप कर्म ले रहे हैं वो डाइजेस्ट हो जाएगा, उनको भगवान की सेवा करें फुल टाइम। तो यहां पर वामन देव ने तीन पग भूख मांगे, जबकि बलि महाराजों ने मुंह मांगा दान देना चाह रहे। नहीं एतस्मिन कुले कश्चित निसत्व कृपण पुमान प्रत्याख्याता प्रतिशुत्य यवा दाता द्विजाते। यहाँ पे दान कर से कि भगवान ने सबके लिए भोजन का अरेंजमेंट किया, कोई ऐसा व्यक्ति संसार में ब्रह्मांड में कोई नहीं बोल सकता कि मेरे लिए भगवान ने भोजन का अरेंजमेंट नहीं किया। वास्तव में उसकी आवश्यकता भोजन नहीं है, उसकी आवश्यकता है दूसरी है, जो वास्तव में उस जिसका आवश्यकता मान रहा है वो इच्छा है। अगर कोई व्यक्ति मोबाइल का बिल पे कर रहा है तो उसका मतलब वो नहीं कि वो उसकी आवश्यकता, अगर वो कोई धन नहीं है तो वो मोबाइल का बिल क्यों पे कर, जरूरत नहीं मोबाइल की। अगर जब धन ही नहीं है खाने के लिए नहीं, तो फिर मोबाइल की क्या जरूरत, खाने के लिए नहीं है तो मोबाइल की क्या जरूरत। और किसी साधन की क्या जरूरत है, व्हीकल की क्या जरूरत है किसी और साधन की, जब खाने के लिए नहीं है। भगवान लेकिन ये भी भगवान के ऊपर सीधा ब्लेम है, क्योंकि भगवान ने तो जिसको भी भेजा है, हाथी को भी भेजा है, उसके लिए भी खाने का अरेंजमेंट किया है, हाथी के लिए किया है, तो मनुष्य के लिए क्या भगवान नहीं करेंगे। और भेजने से पहले भगवान इंटेलिजेंट नहीं है क्या, किसी ने कितने भी पाप किया अगर उसको भेजा है इस भौतिक जगत में, तो भगवान इतने इंटेलिजेंट नहीं कि ये खाएगा क्या, इतना इंटेलिजेंट नहीं क्या भगवान। वास्तव में उसको जिस खाने की जरूरत है और भगवान ने जो खाना दिया उसमें डिफरेंस है, इसलिए व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास खाने के लिए विधान नहीं। ये भगवान के ऊपर सीधा ब्लेम। कि भगवान आपने भेज दिया खाने के लिए, मैंने कुछ अरेंजमेंट किया। ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे बोलते हैं नहीं एतस्मिन कुले कश्चित निसत्व कृपण पुमान प्रत्याख्याता प्रतिशुत्य यवा अदाता द्विजाते। मुझे ज्ञात है कि आज तक तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा है जो संकीर्ण मन वाला हो या कंजूस हो। ये भगवान वामन देव प्रहलाद महाराज के बोल, एवं हिरण्यकश्यप भी दानी था। और हिरण्यकश्यप तो पहला पहला असुर था, क्योंकि डायरेक्टली पैदा हुआ था द्वितीय, वहीं से कुल स्टार्ट हुआ था, असुरों का कुल वहीं से स्टार्ट हुआ था, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष स्टार्ट हुआ। इस ब्रह्मा जी के इस दिन में वो पहले असुर। तो भगवान बोले मुझे ज्ञात है कि आज तक तुम्हारे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो संकीर्ण संकीर्ण मन वाला हो, कंजूस हो। किसी ने ना तो ब्राह्मणों को
दान देने से मना किया, नहीं दान देने का वचन देकर कोई उसे पूरी तरह विमुख हुआ। तो दान केवल यहां पे किसको देने की बात कर रहे हैं? ब्राह्मणों को देने की, जो धर्म का पालन कर। किसी ने न तो ब्राह्मणों को दान देने से मना किया तुम्हारे कुल में, नहीं दान देने का वचन देकर कोई इसे पूरा करने से विमुख। दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, क्योंकि क्रिया कर्म करके और ये सब उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं ज्ञान। न संति तीर्थे युधिष्ठिरार्थिना अर्थिता, न संति तीर्थे युधिष्ठिरार्थिना अर्थिता, परां मुखाये तु अमन स्विना रपा। युष्मत् कुले यत् यशसा मेलना, प्रह्लाद उद्भाति यथा दोपिखे। हे राजा बलि, तुम्हारे कुल में कभी ऐसा क्षुद्र हृदय वाला, छोटे हृदय वाला राजा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने तीर्थ स्थानों में ब्राह्मणों के द्वारा मांगे जाने पर दान न दिया हो। फिर से ब्राह्मण शब्द है, क्योंकि दान केवल ब्राह्मणों को दिया जा सकता है, योग्य ब्राह्मणों को। या युद्ध भूमि में क्षत्रियों से लड़ने से मना किया हो, अगर किसी ने क्षत्रिय से ललकारा तो क्षत्रिय को उसे युद्ध करना चाहिए। तो ये बलि महाराज को बोल रहे हैं कि तुम्हारे इसमें कभी किसी ने लड़ने से भी नहीं मना किया, क्षत्रिय युद्ध से। तुम्हारा वंश तो प्रहलाद महाराज के कारण और भी यशस्वी है, क्योंकि वे आकाश में सुंदर चंद्रमा के समान है। कुल की भी प्रशंसा कर रहे हैं, गलत नहीं है। प्रहलाद महाराज जैसे भक्त हुए तो पूरा कुल फेमस हो गया। भागवत गीता में ब्राह्मण के भी लक्षण दिए गए हैं, तात्पर्य प्रभुपाद बता तो क्षत्रिय के भी लक्षण दिए गए। उसमें से क्षत्रिय के लक्षण है दान देने की प्रवृत्ति। क्षत्रिय न तो कभी ब्राह्मण के द्वारा मांगे जाने पर दान देने से मना करता है, तो किसके लिए दान देने को मना नहीं करना चाहिए? ब्राह्मण, जो योग्य ब्राह्मण है। जैसे प्राचीन कुल में तो योग्य ब्राह्मण थे, यहाँ तो भगवान वामनदेव सब ब्राह्मण बन गए। इसमें आधुनिक युग के ब्राह्मणों की बात नहीं है, लेकिन उसको दान करना चाहिए। दान उचित, ब्राह्मण उचित नहीं तो वैष्णव भगवान की सेवा के। क्षत्रिय तो कभी ब्राह्मण के द्वारा मांगे जाने पर दान देने से मना करते हैं, न अन्य क्षत्रिय से युद्ध करने से इनकार करते हैं। जो राजा मना करता है वो क्षुद्र हृदय कहलाता है, छोटा हृदय कहलाता है। बलि महाराज के वंश में से क्षुद्र हृदय राजा कभी नहीं हुए। भगवान वामन देव स्वयं प्रशंसा कर रहे, भगवान स्वयं प्रशंसा कर रहे। यतो जातो हिरणाक्ष चरण एक इमाम महिम, प्रतिवीरम दिग्विजय न अविंदत गदायुध। तुम्हारे वंश में हिरणाक्ष ने जन्म लिया था, वो केवल अपनी गदा लेकर सारे दिशाओं को जीतने के लिए बिना किसी सहायता के सारी पृथ्वी में अकेला घुमाया, किंतु उसे कोई ऐसा वीर न मिला जो उसका सामना कर सके। क्षत्रिय था वो, तो हिरणाक्ष की भी प्रशंसा कर रहे हैं भगवान। उसी हिरणाक्ष को भगवान ने मारा था, क्योंकि हिरणाक्ष को भगवान ने ललकारा था, भगवान ने भी उसको ललकारा बाद में जब पृथ्वी। तो क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए, उसको कंक्लूड करना चाहिए। फिर वामन देव प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वामन देव तो अभी पता नहीं है इनको कि वो स्वयं भगवान। आगे बोलते हैं, यम विनिर्जित्य कृच्छ्रेण विष्णु क्षमा उद्धार याज्ञवत्। आत्मानं जायिनां मेने तत्वीर्यं भूरि अनुस्मरण। गर्भोदक सागर से पृथ्वी का उद्धार करते समय भगवान विष्णु ने वराह अवतार में हिरणाक्ष का वध किया, जो उनके समक्ष प्रकट हो गया। तब घमासान युद्ध हुआ और भगवान ने उसे बड़ी कठिनाई से मारा। ये वामन देव उसको सुना रहे हैं कि भगवान ने बहुत कठिनाई से तुम्हारे वंश के जो हिरणाक्ष को मारा था, तुम्हारे पर दादा चाचा मतलब प्रहलाद महाराज के चाचा थे, तो इनके परदादा हुए। बाद में जब हिरणाक्ष ने असाधारण पराक्रम के विषय में विचार किया तो उन्होंने अपने आप को सचमुच विजयी अनुभव किया। निशम्य तत्वधम भ्राता हिरणकशिपु पुराण हरिणाक्ष
अंतुम भ्रात हरणम क्रुद्ध जगाम निलयम हरे। जब हिरण्यकश्यप ने सुना कि उसके भाई का वध कर दिया गया है तो अत्यंत क्रोध होकर अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मारने के लिए उनके धाम गया था। तमायांताम समालोक्य शूल पाणिनम कृतांत व्रत चिंतयामास कालज्ञ विष्णु माया विनाम वरः। हिरण्यकश्यप को हाथ में त्रिशूल लिए साक्षात काल की भांति आके बढ़ते हुए देखकर समस्त मायावियों में श्रेष्ठ तथा काल की गति को जानने वाले भगवान विष्णु ने इस प्रकार सोचा। ये सब महामंदे वहां खड़े खड़े सुना रहे हैं बलि महाराज उनके वंश की प्रशंसा कर रहे। यत यत अहम तत्रासो मृत्यु प्राण भ्रतामेव अतहम अस्य हृदयम प्रवेक्ष्यामि पराक दर्शन। जहां कहीं भी मैं जाऊंगा हिरण्यकश्यप मेरा पीछा करेगा, जिस तरह मृत्यु सबका पीछा करती आते मेरे लिए यही संस्कार होगा कि इसके अंतस्थल में प्रवेश कर जाऊं, तब यह केवल अपनी बहिर्मुखी दृष्टि की शक्ति के कारण मुझे नहीं देख सकेगा। एवं सनिश्चित परिपो शरीरम आधावतने विवेश सुरेन्द्र श्वास अनिलंतरहित सूक्ष्म देह तत प्राण रंध्रेण विवेगन चेत। तात्पर्य भगवान पहले से हरेक के हृदय के भीतर विद्यमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु जो तिष्ठति, अतः तर्क के अनुसार हिरण्यकश्यप के शरीर के भीतर प्रवेश करना विष्णु के लिए जरा भी कठिन नहीं है। विविघ्न चेता शब्द महत्वपूर्ण अस्कार था अत्यंत चिंतित। ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप से भयभीत थे, प्रत्युत करुणावश भगवान चिंतित थे कि उसके कल्याण के लिए क्या किया जाए। शतन्निकेतम परिमृश्य शून्य पश्यमान कुपितो ननाद क्षमा मध्यम दिशकम विवरणाद समुद्र विष्णु विचिन्वन ददर्श वीर। भगवान विष्णु के निवास स्थान को देखकर हिरण्यकश्यप ने सर्वत्र उनकी खोज करना प्रारंभ किया। उन्हें न पाकर कुपित होकर हिरण्यकश्यप ने जोर से गर्जना की, फिर सारे ब्रह्मांड पृथ्वीलोक स्वर्गलोक सारी दिशाओं तथा सारी गुफाओं में समुद्रों में उन्हें खोजना शुरू किया, किंतु वह महान वीर विष्णु को नहीं देख पाया। अपश्यन्निति हवाच मया अन्विष्टम इदम जगत भ्रातहा मे गतनूनम। यतना तत्ते पुमान, उन्हें देखकर हिरण्यकश्यप कहा मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा किंतु अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मैं कहीं नहीं पा सका। अतः वह अवश्य ऐसी जगह चला गया जहां से कोई लौट भी नहीं सकता था, तो आप मर गया होगा, विष्णु मर गए होंगे, क्योंकि हिरण्यकश्यप बोल रहा है अपने भाई का बदला लेने के लिए वो भी विष्णु को हर जगह ढूंढ रहा है। तात्पर्य सामान्यतः नास्तिक लोग बौद्ध दर्शन के इस निर्णय के अनुयायी होते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। नास्तिक होने के कारण हिरण्यकश्यप ने इसी तरह सोचा, क्योंकि उसे भगवान दिख नहीं पाया था उस टाइम, सोचा मर गया। तो देखिए नास्तिक को कहीं भगवान नहीं दिखते और आस्तिक को जो भगवान का भक्त है उसको सब जगह भगवान दिखते। आज भी बहुत से लोग इसी विचारधारा कि ईश्वर मृत है, लॉर्ड इज डेड, लेकिन ईश्वर कभी मृत नहीं है। लेकिन ईश्वर कभी मृत नहीं होता, यहाँ तक कि जीव भी जो ईश्वर के अंश है वो भी कभी मृत्यु नहीं होती। न जायते मृते वा कदाचित, आत्मा का न तो कभी जन्म होता है न मृत्यु, ये भगवत गीता का कथन। यहाँ तक कि सामान्य जीव भी न कभी जन्म लेता न मरता है, फिर भी
उन भगवान के विषय में क्या कहा जाए जो समस्त जीवों को स्वामी। निश्चय वे न तो कभी जन्मते न मरते, अजो अपि सन्न्य वेतात्मा भगवान तथा जीव दोनों अजन्मा अजन्मा तथा भी पुरुष है। हिरण्यकश्यप के निष्कर्ष के कि विष्णु मर गए गलत, जैसा कि यह तो ना होते पुमान शब्द से सूचित किया कि अवश्य कोई आध्यात्मिक लोक है, वहां पर जाने पर जीव कभी इसी भौतिक जगत में नहीं लौटता। क्योंकि भगवद गीता में कहा गया त्यक्ता दे हम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भौतिक दृष्टि से तो हर जीव मरता है, भौतिक शरीर से तो मृत्यु अवश्यंभावी, किंतु कर्मी ज्ञानी तथा योगी जन मृत्यु के बाद इस भौतिक जगत में लौट आते हैं, जबकि भक्त नहीं लौट। हाँ, यदि भक्त परिपूर्ण नहीं है, अगर भक्त ने परफेक्शन प्राप्त नहीं किया तो वो फिर से भौतिक जगत में जन्म लेता है, किंतु किसी उच्च पद पर धनी कुल में या शुद्ध ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, शुचि नाम श्री मतराम के, जिससे उसकी आध्यात्मिक चेतना का विकास पूरा हो सके। जिन्होंने कृष्ण भावनावाद का अध्ययन पूर्ण कर लिया, जो निष्काम है, वो भगवत धाम को वापस जाते। यत गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम्। ऐसी तथ्य का वर्णन हो यतो न वर्तते पुमान। जो व्यक्ति भगवान के धाम को वापस चला जाता है वो फिर इस भौतिक जगत में लौट कर वेरा अनुबंध एता नाम आमृत्यु ये देहि नाम अज्ञान प्रभव मन्यु अहम मान उपब्रह्म। भगवान विष्णु के प्रति हिरण्यकश्यप का क्रोध उसकी मृत्यु तक बना रहा। भगवान विष्णु के प्रति हिरण्यकश्यप का क्रोध उनकी मृत्यु तक बना रहा। देहात्म बुद्धि वाले और अन्य लोग केवल मिथ्या अहंकार तथा ज्ञान के प्रबल कारण कर हमेशा क्रोध में बने रहते। तात्पर्य सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि बद्ध जीव यद्यपि क्रुद्ध हो जाए तो उसका क्रोध शाश्वत न होकर क्षणिक होता है, ऐसा अज्ञान के कारण। किंतु हिरण्यकश्यप विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता एवं अपने क्रोध को आमरण बनाए रखा। वो विष्णु से बदला लेने की प्रवृत्ति को कभी नहीं भूल पाया, क्योंकि विष्णु ने उसके भाई को मारा था। देहात्मबोध से ग्रस्त अन्य लोग अपने शत्रुओं पर क्रोध रहते, लेकिन भगवान विष्णु पर। किंतु हिरण्यकश्यप लगातार क्रोध रहा, वह न केवल मिथ्या प्रतिष्ठा के कारण अपितु निरंतर शत्रुता के कारण विष्णु के प्रति क्रुद्ध। पिता प्रहलाद पुत्र ते तत विद्वान द्विजवत्सल स्वयं आयु द्विजलिंगेभ्य देवेभ्य अदात स याचित। तुम्हारे पिता वामन भगवान प्रशंसा करते पिता की भी, पहले दादा की परदादा की दादा की अभी पिता की कर। तुम्हारे पिता विरोचन थे जो प्रहलाद महाराज के पुत्र थे, ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेहिल थे, वो भी ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेहिल। वे भली भांति जानते थे कि ब्राह्मणों का वंश धारण करके देवतागण उनके समक्ष आए थे, किंतु उनके मांगने पर उन्होंने अपनी आयु दे डाली। तुमने भी ग्रस्त ब्राह्मणों अगले पुरखों तथा महान कार्यों के लिए सुविख्यात शूरवीर जैसे महान पुरुषों के सिद्धांतों का पालन किया। ये सब भगवान प्रशंसा कर रहे हैं, ये सब उनके गुणों की प्रशंसा जो वास्तव में है। तस्मात् तत्महिमीशत वरणे अहम वरद ऋषभात पदानि त्रीणि देतेन्द्र समितानि पदा मम। हे दैत्य राज, ऐसे कुली ने मुक्त हस्त दान देने वाले आपस में अपने पैरों के माप की केवल 3 पग भूमि की याचना कर रहा हूं। ऐसे कुली ने मुक्त हस्त दान देने वाले आपस में अपने पैरों की माप की केवल 3 पग भूमि की याचना कर। तात्पर्य भगवान वामनदेव अपने पैरों की माप के बराबर केवल 3 पग भूमि, उतना ही भगवान, वैसे तो देखा जाए तो इस ब्राह्मण के रूप में उतना ही ले रहे हैं 3 पग जितना उनका आवश्यक है ब्राह्मण के रूप। तो इवन ब्राह्मण को भी
और सन्यासी ब्रह्मचर्य के, बाकी के तो दान लेने का अधिकार नहीं, केवल ब्राह्मण और उनको वो भी। भगवान ने अपना पराक्रम दिखाने के लिए ऐसा किया। नान्यत्ते कामे राजन वदानीयात् जगतीश्वरात् नयन प्राप्नोति वे विद्वान यावत् अर्थ प्रतिग्रह। हे समग्र ब्रह्मांड के नियामक राजा, यद्यपि आप अत्यंत उदार हैं और जितनी भूमि चाहो मुझे दे सकते हैं, किंतु मैं आपसे अनावश्यक वस्तु नहीं मांगना चाहता। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण अन्य से अपनी आवश्यकता अनुसार दान लेता है, देखिए क्या फिर से कंडीशन आ रहा है बार बार पूरा, विद्वान ब्राह्मण लर्निंग ब्राह्मण अन्यों से अपनी आवश्यकता दान लेता है तो पाप पुण्य परंगो कर्म में नहीं फंसेगा। विद्वान ब्राह्मण अन्यों से अपनी आवश्यकता अनुसार दान ले, केवल अधिकार ब्राह्मणों को दिया है और वो भी विद्वान ब्राह्मण। यदि कोई ब्राह्मण या सन्यासी अन्यों से दान मांग सकता है, किंतु ब्राह्मण या सन्यासी अन्यों से दान मांग सकता है किंतु यदि आवश्यकता से अधिक लेता है तो वो भी दंडनीय, ब्राह्मण और सन्यासी के लिए भी दंडनीय। कोई भी व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भगवान की संपत्ति को भोग नहीं कर सकता। भगवान वामन देव अप्रत्यक्ष बलि महाराज को इंगित करें कि उसके पास आवश्यकता से अधिक भूमि है। बलि महाराज के पास भौतिक जगत में सारे क्लेश अपव्यय के कारण, ये प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं, भौतिक जगत में सारे क्लेश अपव्यय के कारण है, जो एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए वो भी करते। मनुष्य अंधाधुंध धन एकत्रित कर लेता है और उसका अपव्यय भी करता है, ऐसे कार्यकलाप पाप पूर्ण है। सारी संपत्ति भगवान की और सारे जीव भगवान की संतान होने के कारण अपने परम पिता की संपत्ति का उपयोग करने के अधिकारी है, किंतु कोई आवश्यकता से अधिक नहीं ले सकता। इस सिद्धांतों का पालन ब्राह्मणों या सन्यासियों को विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि वे अन्यों के बल पर पलते हैं। ब्राह्मण और सन्यासी अन्यों के बल पर पलते, उसका भी क्रिटिसाइज किया गया कि वो भी आवश्यकता से अधिक नहीं ले सकते, क्योंकि धन किसका है, उनका है नहीं, किसी और का है। तो ब्राह्मण और सन्यासी को भी आवश्यकता से, बाकी का तो लेने की बात ही नहीं। इन सिद्धांत का पालन ब्राह्मण सन्यासी को विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि अन्यों के बल पर पलते हैं। इस तरह वामन देव एक आदर्श याचक थे, क्योंकि उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी थी। निसंदेह उनके पगों में तथा एक सामान्य व्यक्ति के पगों में भी अंतर है, क्योंकि वो तो वामन देव थे, छोटे थे। भगवान अपने अचिंत पराक्रम से अपने पद चाप को असीम माप से सारे ब्रह्मांड को घेर सकते हैं, जिसमें ऊर्ध्व अधो तथा मध्य लोक सम्मिलित हैं। श्री बलिर्वाच अहो ब्राह्मण दायाद वाच स्ते व्रत सम्मता त्वं बाल बालिश मति सार्थम प्रति अभूद। बलि महाराज ने कहा है, ब्राह्मण पुत्र तुम्हारे उपदेश विद्वान और वयोद्ध पुरुष जिस है, तो भी अभी तुम्हारी बालक और तुम्हारी बुद्धि अल्प है, तुम्हें अपने पोहित का पूरा ज्ञान नहीं। बलि महाराज तो बोल रहे हैं कि अरे बालक है, कोई देने वाला होता तो लोग, तो जैसे भौतिक जगत में तो कोई देने वाला हो तो लोग कितना भी ले लेते हैं, जरूरत हो या नहीं कितना भी ले लेते हैं, सारा देने वाला हो गया। लेकिन यहां बोल रहे कि तुम बालक बुद्धि, अरे मैं देने वाला हूं तुम ले ही नहीं रहे। भगवान अपने आप में परिपूर्ण आता है, अपने स्वार्थ के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं चाहिए। अतः भगवान वामन देव बलि महाराज के पास स्वार्थ साधन के लिए नहीं गए थे, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, भक्ता रमी के तपसाम सर्वलोक महेश्वर। भगवान इस लोक के तथा स्वर्ग लोकों के सभी लोगों के स्वामी हैं, भला उन्हें भूमि की क्या आवश्यकता। बलि महाराज ने ठीक ही कहा है, वामन देव को अपने हित के लिए, वामन देव को अपना हित के लिए तनिक भी बुद्धि से तनिक भी बुद्धि से काम नहीं ले रहे। कोई होता है मतलब भौतिक बुद्धि क्या होती है, भौतिक बुद्धि हो रही थी, फ्री में मिल रहा है तो ले लो, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। जो लोग लेकिन धार्मिक सिद्धांतों को मान रहे थे, वो बोलते हैं कि मैं क्यों लूं उनके पाप कर्म को, मेरा तो कोई अधिकार नहीं लेने का।
वामन देव अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु अपने भक्तों के कल्याण के लिए बलि महाराज के पास में गए थे। बुद्धि से काम नहीं ले रहे भक्तगण भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने बुद्धि से काम नहीं ले रहे भक्तगण भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने स्वार्थ सारे स्वार्थों की बलि चढ़ा देते हैं। इस तरह भगवान भी अपना निजी स्वार्थ न रखते भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो स्वयं पूर्ण है उसमें भला कोई स्वार्थ कैसा, भगवान पूर्ण है भक्त पूर्ण है उनमें स्वार्थ। तो ये इतने एपिसोड में कितने धर्म के कितने सिद्धांत बताए गए, दान लेना और दान देना। यहाँ पे देने को तैयार है देने वाला, लेकिन लेने वाला लेने को तैयार, ऐसा भौतिक जगत में बिरला कोई हो। भौतिक जगत में जिसके किसी के पास कुछ भी हो कितना, वो अपने हर कोई अपने आप को गरीब समझता है, हर कोई अपने आप को गरीब समझता, गरीब भी गरीब समझता है, अमीर भी गरीब समझता है। वास्तव अमीरी गरीबी का डिफरेंस जो है ये आवश्यकता उससे नहीं है, ये संतुष्टि है। गरीब व्यक्ति थोड़ा सा भी भोजन करके संतुष्ट रह सकता है, और चाहे कोई अमीर व्यक्ति फिर भी असंतुष्ट है। मुक्ताराम एक तपसान सरलोक महेश, भगवान इस लोक के तथा स्वर्ग लोक के सभी लोगों के स्वामी, भला उन्हें भूमि की आवश्यकता। बलि महाराज ने ठीक ही कहा कि वामन देव को अपना हित के लिए तनिक बुद्धि से काम नहीं ले रहे। ये भौतिक बुद्धि होती है जिसमें व्यक्ति का बहुत चाहत रहती है। वामन देव अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु भक्तों के कल्याण के लिए बलि महाराज के पास में गए थे। बुद्धि से काम नहीं ले रहे भक्तगण भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने सारे स्वार्थों की बलि चढ़ा देते हैं। इस प्रकार भगवान भी अपना निजी स्वार्थ न रखते भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो स्वयं में पूर्ण है उसका भला कोई स्वार्थ कैसे होगा, जो स्वयं में पूर्ण सत्य संतुष्टि उसका स्वार्थ कैसे हो। इस प्रकार से बलि महाराज और वामन देव के बीच ये वार्तालाप चल रहा है। ये वार्तालाप आगे भी कंटिन्यू है। अभी बलि महाराज बोलते हैं कि मैं तो आपको तो सब कुछ दे सकता हूं, तुम कुछ नहीं ले, तुम बुद्धिमान ही लगते हैं। मतलब बुद्धिमान मतलब वामन देव तो बुद्धिमान थे, तुम्हें मटेरियल इंटेलिजेंस नहीं, भौतिक बुद्धि नहीं, जिसे भौतिक बुद्धि में व्यक्ति जितना भी मिले वो ले लेगा, वो पाप पुण्य की कोई चिंता नहीं करेगा। इस प्रकार से वार्तालाप चल रहे हैं, आगे चलेगा। अभी हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का वार्तालाप कल की बलि महाराज और सुंदर वार्तालाप है, बलि महाराज और वामन देव के बीच धर्म के सिद्धांत वाला, आगे भी सुनेंगे। अभी इसको यहीं पे विराम देते हैं आज की क्लास को। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम श्री श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।